सो गाइज, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और हाँ, चैनल पर आ ही गए हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर और वहाँ पर वजीटा आया हुआ होता है। बीरस कहता है, ए वजीटा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वजीटा कहता है, क्यों, क्या हुआ लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, मैं नंबर वन डिस्ट्रॉयर की बात कर रहा हूँ। वजीटा कहता है, वो तो मैं हूँ ही। बीरस कहता है, क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं पता? वजीटा कहता है, आप साफ साफ बोलिए लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, विश, तुम वजीटा को अपडेट्स नहीं देते हो क्या? विश कहता है, वो लॉर्ड बीरस, लॉर्ड वजीटा पहले बिजी थे इसलिए मैं उन्हें नहीं बता पाया। वजीटा कहता है, कौन सी बात विश? विश कहता है, लॉर्ड बीरस, कुछ ही दिनों में नंबर वन डिस्ट्रॉयर के लिए वोटिंग की जाएगी, इसलिए आप कुछ दिन के लिए ही नंबर वन डिस्ट्रॉयर रहेंगे। ये सुनकर वजीटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या विश, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और ये नंबर वन डिस्ट्रॉयर के लिए वोटिंग कैसी? जिसने ज्यादा प्लेनेट तबाह किए वही होना चाहिए नंबर वन। विश कहता है, इसी वजह से तो फादर ने दूसरा रास्ता निकाला है। वजीटा कहता है, मगर क्यों? विश बोलता है, लॉर्ड वजीटा, नंबर वन डिस्ट्रॉयर आने के लिए कई डिस्ट्रॉयर निर्दोष प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और इस तरह से डिस्ट्रक्शन होता रहा तो एक भी प्लेनेट नहीं बचेगा। बीरस कहता है, सुना तुमने, अब तैयारी करो। वजीटा पूछता है, मगर ये वोटिंग कैसी होगी? कौन वोट्स करेगा हम डिस्ट्रॉयर को? विश कहता है, ये वोटिंग डिस्ट्रॉयर्स के बीच में ही होगी लॉर्ड वजीटा। इसमें सभी डिस्ट्रॉयर डिस्कस करेंगे और किसी एक को चुनेंगे और वही होगा नंबर वन। वजीटा कहता है, ये कैसा तरीका है भला? विश, तुम तो जानते ही हो कि वो सभी डिस्ट्रॉयर मिले हुए हैं। बीरस कहता है, जैसा भी हो तुम्हें जीतना ही है तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वजीटा कहता है, क्या मुसीबत है। अब सीन जाता है कैला पर और वो कहता है, नहीं बेलमोर्ट, मैं तुम्हें वोट नहीं देने वाला। चैंपा कहता है, और मैं भी। सिड्रा कहता है, माफ करना बेलमोर्ट, मैं भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ। बेलमोर्ट कहता है, देखो, मैंने इतने सालों से तुम्हारा साथ दिया है, अब तुम्हारी बारी है। क्यूटेला कहता है, हम ऐसे नहीं कर सकते। बेलमोर्ट पूछता है, मगर क्यों? क्यूटेला कहता है, क्योंकि तुम अब एक डिस्ट्रॉयर नहीं हो, तुम्हारी जगह तुम्हारा वो मुच्छड़ अब डिस्ट्रॉयर है। चैंपा बोलता है, और तुम्हारा कुछ पता नहीं है, तुम हमें ही धोखा दे देते हो, इसलिए हम तो तुम्हारे साथ नहीं हैं। बेलमोर्ट कहता है, अरे ऐसा मत बोलो यार, मैं बहुत जल्द वापिस से डिस्ट्रॉयर बन जाऊंगा। चैंपा कहता है, अच्छा, जब बनोगे तब आकर हमसे वोट मांग लेना, ओके, अभी हम चलते हैं। अब वो गोल्ड वहां से चले जाते हैं। बेलमोर्ट बोलता है, स्टॉपो ने तो मेरी बेइज्जती करवा दी है, मुझे ये जो वापिस से लेनी होगी। अब सीन जाता है वजीटा पर, वो बोलता है, विश, क्या तुम्हें कुछ पता है कि मुझे वोट्स कैसे मिलेंगे? विश कहता है, यही तो फादर का दिमाग है लॉर्ड वजीटा, उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि सभी गोड्स एक दूसरे से मिलजुल कर रहे। वजीटा कहता है, चुप करो तुम, आए बड़े मिलजुल कर रहने वाले, तुम्हें पता नहीं कि वो गॉड कैसे दिमाग के हैं? अपने आप को नंबर वन लाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इन्हें मैं ही हैंडल करना जानता हूँ और तुम देखना, मैं ही इसमें जीतूंगा। विश कहता है, लॉर्ड वजीटा, कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? वजीटा कहता है, नहीं विश, ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, बल्कि ये तो अब ईगो की बात है। विश कहता है, तो मैं भी देखना चाहूंगा कि आप अपनी ईगो को बचाने के लिए क्या करने वाले हो। वजीटा स्माइल करके कहता है, तो फिर रेडी रहो। और सीन जाता है बेलमोर्ट पर और वो सोच रहा होता है। बेलमोर्ट कहता है, ऐसा मैं क्या करूं जिससे टॉपो वापिस से मुझे मेरी पोजीशन दे दे। अब वहां आता है जीरेन और बोलता है, कैसे हो लॉर्ड बेलमोर्ट? बेलमोर्ट कहता है, जीरेन, तुम यहां? जीरेन कहता है, आप परेशान लग रहे हो लॉर्ड बेलमोर्ट। बेलमोर्ट कहता है, अरे काहे का लॉर्ड बेलमोर्ट, तुम मुझे बस बेलमोर्ट कहकर पुकारो। जीरेन बोलता है, मगर ऐसा क्यों
लॉर्ड बेलमोल्ड, बेलमोल्ड बोलता है, जब से टॉप और डिस्ट्रॉयर बना है तब से कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि मेरे अपने लोग ही मेरी नहीं सुनते। जिरेन बोलता है, ऐसा नहीं है लॉर्ड बेलमोल्ड, सभी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। बेलमोल्ड कहता है, तुम झूठ कह रहे हो। जिरेन कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, सच में सभी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आज भी लोग आपके ऑर्डर को पूरा करेंगे। बेलमोल्ड कहता है, अच्छा तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? जिरेन कहता है, जी लॉर्ड बेलमोल्ड, आप एक बार कहकर तो देखिए। बेलमोल्ड कहता है, सोच लो कहीं बाद में तुम मुकर तो नहीं जाओगे। जिरेन कहता है, एक बार आप बोल कर तो देखिए। बेलमोल्ड कहता है, तो ठीक है तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जिरेन कहता है, मैं एक नहीं बल्कि आप जितने काम बोलोगे उतने करने को रेडी हूँ, बताइए क्या करना है मुझे। बेलमोल्ड बोलता है, तुम्हें टोपो को उसकी पोजीशन से हटवाना होगा और मुझे उसकी जगह वापस डिस्ट्रॉयर बनाना होगा। जिरेन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये आप क्या बोल रहे हो लॉर्ड बेलमोल्ड, टोपो की पोजीशन? बेलमोल्ड कहता है, हाँ टोपो की पोजीशन तुम्हें मेरे नाम पर वापस करवानी होगी। जिरेन कहता है, मगर ये तो गलत है लॉर्ड बेलमोल्ड। बेलमोल्ड कहता है, इसका मतलब कि तुम मेरे ऑर्डर्स को नहीं मानोगे। जिरेन कहता है, ऐसी बात नहीं है लॉर्ड बेलमोल्ड, मगर टोपो मेरा दोस्त है, भला हम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। बेलमोल्ड कहता है, तुम मेरे ऑर्डर्स को मानोगे या फिर नहीं? जिरेन कहता है, ठीक है लॉर्ड बेलमोल्ड, मैं आपका ऑर्डर मानने के लिए तैयार हूँ। बेलमोल्ड कहता है, वेरी गुड जिरेन, तुम अगर ऐसा करोगे तो मेरी नजरों में तुम और भी ऊपर पहुंच जाओगे। जिरेन कहता है, ऐसी ऊंचाइयों का क्या फायदा जिसमें अपनों को ही धोखा देना पड़े। बेलमोल्ड कहता है, अब मुझे पकाओ मत और जाओ, तुम्हें जो बोला गया है वो करो। जिरेन कहता है, जी लॉर्ड बेलमोल्ड। सीन जाता है वजीटा पर और वो चंपा के पास आता है। चंपा बोलता है, वजीटा तुम यहाँ पर? वजीटा कहता है, मैं यहाँ पर एक जरूरी बात करने आया हूँ। चंपा बोलता है, अच्छा कहो तुम्हें क्या बात करनी है? वजीटा कहता है, मैं कुछ यूनिवर्स में जाकर आ चुका हूँ और कुछ में जाना अभी बाकी है। चंपा बोलता है, तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? वजीटा कहता है, नहीं मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि कुछ ही दिनों में नंबर वन डिस्ट्रॉयर की वोटिंग चलेगी, तो मैं ये चाहता हूँ कि उसमें तुम मुझे ही वोट करके जिताओ, और ये बात मैं बाकी गॉड से भी कहकर आया हूँ। चंपा कहता है, अच्छा तो क्या वो तुम्हारी बात मान गए? वजीटा कहता है, हाँ अगर नहीं मानेंगे तो मुझे और भी तरीके आते हैं। चंपा कहता है, इसका मतलब तुम अपनी ताकत के दम पर इस पोजीशन को जीतना चाहते हो? वजीटा बोलता है, तुम्हें जो समझना है तुम वो समझो, मगर वोट्स मुझे ही करना। चंपा कहता है, वोट्स देना या ना देना ये हमारी चॉइस है। वजीटा कहता है, ना ना ऐसी गलती कभी मत करना। तो हेलो गाइज, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर मजा आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।